अजीत भाई कहाँ ऊंचाई पे चढ़ा रहे हो यार? साकिब भाई ये आपको जो ऊंचाई नजर आ रही है ना, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ भी है और हम उम्मीद भी करते हैं इंशाल्लाह ये जो अभी मामलात हैं सारे, ये सारे के सारे सेट हो जाएंगे। अच्छा, आज की वीडियो का टॉपिक जो है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको ये बताऊँगा कि आप बैरियर टाउन कराची में वो कौन सी इन्वेस्टमेंट है जो आप इस वक्त अगर आप करते हैं तो वो एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट साबित होती है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी ऐसी लोकेशंस भी हैं, आप वहाँ पे प्लॉट लेते हो या प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो एक लोगों में एक डर सा बैठा हुआ है। जो मुल्की हालात हैं इस वक्त तो लोगों में ये एक डर बैठ चुका है कि यार मज़ीद रेट्स नीचे जा रहे हैं और भी नीचे जाएंगे। तो साकिब भाई आज की वीडियो में मैं कुछ सवाल आपसे करूँगा और कुछ सवालों के जवाब मैं खुद दूँगा। तो हम आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर आप बैरियर टाउन कराची में इस टाइम पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ आती है जिसमें आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत कम है वो है रेडी प्रॉपर्टी। अगर आप बैरियर टाउन कराची में रेडी प्रॉपर्टी की तरफ जाते हो, मिसाल के तौर पर आप चले जाओ इस टाइम पर स्पोर्ट सिटी विलाज में, ठीक है, स्पोर्ट सिटी विलाज में आप जाते हो, क्योंकि आपने थोड़ा सा इस चीज़ को समझना है साकिब भाई। समझने वाली बात यह है, आप गूंगे बहरे तो नहीं है ना, कोई हाँ ना तो बोला करें, चलें खैर मसला नहीं है साकिब भाई, हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं ये कह रहा था समझने वाली बात यह है कि जो स्टील टन का जो रेट है वो इस टाइम पर 3,05,000 रुपये के करीब है, जो कि लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये मज़ीद ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पर जैसे स्पोर्ट सिटी विलाज की मैंने मिसाल दी, अगर आप कोई एक्स्ट्रा लैंड वाला 250 गज़ का प्लॉट अगर आप उसकी कंस्ट्रक्शन कराते हैं, आप बहुत हद मारें 30 में आपने अगर 65-70 लाख रुपए का प्लॉट ले लिया और उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ जाएगी ना, वो यकीन माने कि वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी का भी घर बना सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉस्टिंग करेंगे तो आप जो अपने लिए रेडी प्रॉपर्टी परचेज़ करेंगे वो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूँगा। अब हर किसी का बजट नहीं है साकिब भाई, हर किसी का बजट नहीं है, मैं आपको भी वीडियो में शामिल करूँगा और ये इंतहाई खूबसूरत जगह को आप भी साथ साथ मुझे बताएं। अपार्टमेंट्स, बैरियर के अपार्टमेंट्स के क्या रेट चल रहे हैं ये मुझे आप थोड़ा सा बताओ भाई। अपार्टमेंट 2 बेड तकरीबन आपको मिल जाता है रेडी अपार्टमेंट 90-95 लाख रुपीज़ का, ठीक है, 90-95 लाख रुपए में 2 बेड अपार्टमेंट मिल जाता है। अच्छा साकिब भाई, इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कि अगर आप इस टाइम पे अपार्टमेंट की बुकिंग करवाते हैं, ठीक है, जो अपार्टमेंट्स बैरिया अपार्टमेंट प्रीसेंट 19 के आसपास वाला एरिया है वहाँ पे भी अगर आप अपने लिए बुकिंग कराते हो ना, तो वो आपको तकरीबन इस टाइम पे 10,000-11,000 रुपए का पर स्क्वायर फीट का रेट है। उसको आप अगर 900 स्क्वायर फीट से भी आप मल्टीप्लाई करो तो 90 लाख रुपये तो ऐसे हो गया, वो हवा में चीज़ ले रहे हो आप, बिल्कुल एग्जैक्टली। और एक चीज़ आप वो ले रहे हो जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जहाँ पे, ठीक है, लोग रह रहे हैं, फैमिलीज़ रह रही हैं, और वहाँ पे आप बिल्कुल रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो इसकी फिजिबिलिटी बहुत अच्छी बनती है, ये आपको इस टाइम पे परचेज कर लेना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है साकिब भाई जी, देखें बैरिया में भी ना रिहाइश करने के अतबार से ना 2-3 मसाइल ऐसे हैं जिसके ऊपर लोग फौरी तौर पर रिहाइश जो नहीं कर पाते, या करते भी हैं तो थोड़ा सा मुश्किल में आ जाते हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहले आपको भी पता है कन्वेंस को किस तरीके से मैनेज करते हैं भाई। देखिए कन्वेंस का तो काफ़ी इशू रहा है स्टार्टिंग से ही, जब से बैरियर लॉन्च हुआ है, ठीक है, क्योंकि एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहा है यहाँ पे कि यार आपके पास अपनी गाड़ी होगी तो ही आप सर्वाइव कर सकते हो बैरिया में, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अभी जो है बैरिया ने इस चीज़ को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है, कराची से यहाँ पे कन्वेंस और इसके अंदर भी हमने सुना है कि शटल सर्विसेज वगैरह जो है स्टार्ट की हैं। अच्छा, अभी स्टार्ट हो गई हैं? जी जी नहीं, इसका बाकायदा जो है अनाउंसमेंट इसकी प्रॉपर होगी, अभी हुई नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो सारा जो है सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन का वगैरह, ये बैरिया भी समझता है इस चीज़ को, यार लोगों को हमारी जो रेजिडेंस है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन ये निकालेंगे। बिल्कुल यार, एक मसला और है जो काफ़ी जिसको आप मेजर कह सकते हो वो ये है स्कूलिंग, क्योंकि लोग स्कूलिंग को लेके ना बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बात की है, ठीक है। तो जिन लोगों को नहीं पता होता यहाँ पर सिर्फ 2 स्कूल हैं, तो ये ऑप्शंस बैरिया को थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे। उसके अलावा जो आजकल जो हालात हैं इस टाइम के ऊपर, मिसाल के तौर पे साइट के ऊपर आपका सामान है उसकी टेक केयर करने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको पता है मुल्क के हालात कैसे हैं, हर जगह के ऊपर ही लोग परेशान हैं, तो कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनके ऊपर बैरिया को सख्ती से इस चीज़ का नोटिस भी लेना पड़ेगा, ठीक है। आपने कुछ वीडियोज़ भी देखी होंगी ग्रुप्स में,
ठीक है, कुछ वीडियोस भी देखी होंगी आपने ग्रुप्स में, तो मैं उन वीडियोस का ही जिक्र कर रहा हूँ। इनके ऊपर ना कोई बैरियर टाउन कराची को बकायदा इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लेके परेशान हो रहे हैं, खासतौर पर ओवरसीज़। वो हमें वीडियोस भेज रहे हैं कि यार ये क्या मसाइल हैं बैरियर में। देखें, ऐसा पहले नहीं था, बिल्कुल पहले ऐसे नहीं था, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो है मामलात हैं ये सारे देखने के लिए आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। असल में बैरियर में बेसिकली क्या है कि जो रेजिडेंट्स हैं वो तो है ही हैं, लेकिन जो यहाँ पे वर्कर्स लेवल हैं वो या तो इंटीरियर से इनसे हैं या तो फिर वो पंजाब साइड से हैं। तो वो वर्कर्स लेवल्स पे, क्योंकि जाहिर सी बात है बैरिया जो है वो उसके अपने ही अंदर के लोग हैं, बाहर से तो कोई आके इस तरह के मामला तो है वो कर सकता नहीं है। तो इस चीज़ का एक प्रॉपर, इस चीज़ का यार एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ना, बिल्कुल होना इस चाहिए। चीज़ का एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। इन चीज़ों को जब तक बैरिया टाउन सॉर्ट आउट नहीं करेगा, तो मैं नहीं समझता जो लोग बाहर बैठे हुए हैं जो इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर आने में, तो वो अपना इंटरेस्ट मजीद भी कायम रख सकेंगे। खैर, आज की वीडियो का मकसद ये था कि जो लोग बिल्कुल ये सोच रहे हैं ना कि यार आपको इस टाइम पे कुछ भी समझ में नहीं आता, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रेडी प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो शॉप्स में हो। अच्छा, मैं शॉप्स में ना, मैं जो इस टाइम पे लो मैं देख रहा हूँ, मैं मिडवे बी ए का इतना मशवरा नहीं देता हूँ, जो बात है क्लियर है अभी के हालात के हिसाब से। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अच्छी हैं, ऐसा नहीं है, करता है कि आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म करनी है, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो मिडवे ए बी भी अच्छे ऑप्शंस हैं, ठीक है। लेकिन वही है कि ऐसा नहीं हो कि आपको परचेस करने के बाद आप ये थिंकिंग हो आपके माइंड में कि अभी मैं इसको रेंट आउट कर दूंगा, और अभी हालात नहीं है, जो बात है क्लियर, इसका रेंट आउट आना अभी नहीं है ऐसे हालात। अभी रेट्स अच्छे हैं, लेकिन जो है आपकी शॉप जो है रेंट आउट अभी फिलहाल नहीं होगी। चलें, खैर, आज की वीडियो का मकसद ये था कि हम आपको बता सकें कि बैरिया टाउन कराची की इस टाइम पे रेडी प्रॉपर्टीज़ की डिमांड है। लोग, उसकी वजह ये है ना, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये चीज़ समझने वाली चीज़ है ये, आप इसको समझ सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जब बढ़ती है तो रेडी प्रॉपर्टी, आपकी भी अगर रेडी प्रॉपर्टी है और आप उसको अगर सेल करना चाहते हैं, अगर सेल करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। खैर, आज की वीडियो से इजाज़त चाहूँगा। साकिब भाई को मैंने अभी ये टास्क दिया है कि एक दफ़ा फिर से ये इन्होंने यहाँ ऊपर जाना है, तो इनको टाइम बता दिया गया है, थोड़े टाइम में इन्होंने ये टास्क पूरा करना है और मैं जाऊंगा नीचे इंतज़ार करने। खैर, आज की वीडियो से इजाज़त है, इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा फिर नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पे भी रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए अपने होस्ट सैयद साजिद हुसैन शाह और मेरे दोस्त मोहम्मद साकिब खान को इजाज़त दीजिए, नवाज शरीफ को अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।